हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुपर इफेक्टिव मास्क लाई हूँ जो आपकी स्किन से एक्ने स्कार्स को खत्म करेगा और इवन आपकी स्किन से एक्ने स्पॉट्स और पिंपल स्पॉट्स को दूर करेगा और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, यानी आपकी स्किन को साफ करेगा और एक्ने को कंट्रोल करने में और पिंपल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। आपकी स्किन से रेडनेस को ख़त्म करेगा जो एक्ने और पिंपल की वजह से आ जाते हैं, और इन एक्ने या पिंपल स्पॉट्स की वजह से जो आपकी स्किन में गड़े हो जाते हैं, यानी छोटे एक्ने होल्स हो जाते हैं, इसे फिल करने में मदद करेगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मास्क को किस तरह बनाना है। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि मेरे सामने कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आइए आपको मैं बताती हूँ ये चीज़ें क्या हैं और इसे किस तरह हम मास्क तैयार करेंगे। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बाउल में एग शेल्स हैं, यानी अंडे के छिलके हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से इसकी आपको एक एग शेल्स नज़र आ गए जिसमें जिसके अंदर से मैंने वाइट स्किन निकाल दी है और इसे अच्छी तरह से धोकर सूखने के लिए रख दिया और इसे एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैंने कंटेनर में इसे पाउडर फॉर्म में ग्राइंडर में पीस कर रख लिया है। यहाँ भी इसे पीस कर ग्राइंडर में अच्छी तरह से एयर टाइट में कंटेनर में रख सकते हैं। इसके लिए आप एक और चीज़ चाहिए, वो है मुल्तानी मिट्टी। ये आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। इसे भी अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस कर पाउडर फॉर्म में ले आए। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से पीस कर पाउडर फॉर्म में पहले से रख लिया है। इसकी तीसरी चीज़ चाहिए आपको एक अर्की गुलाब। अर्की गुलाब भी आपको मार्केट में इजी से अवेलेबल होता है। और आपको चौथी चीज़ चाहिए इसके लिए, रोगने बादाम यानी बादाम का तेल, आलमंड ऑयल। आप एक साफ सुथरा बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे एग शेल्स, 1 टीस्पून ऑफ एग शेल्स। एग शेल्स आपकी स्किन को एक्नी स्पॉट आप एग शेल्स आपकी स्किन से एक्नी स्पॉट्स को दूर करता है, आपके एक्नी या पिंपल्स होल्स को फिल करने में मदद करता है, आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन से डेड सेल्स को हटाता है, एक्ने स्कार्स को दूर करता है, आपकी स्किन में ग्लो लाता है। और इसमें दूसरी चीज डालेंगे हम 2 टीस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी। अच्छी तरह से पीस लें ताकि ये पाउडर फॉर्म में मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए नरिश का काम करते हैं। आपकी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। आपकी स्किन को एक्नी और पिंपल स्कार्स आपकी स्किन से एक्निंग और पिंपल स्कार्स को दूर करता है, आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, ये भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है यानी साफ करता है, और स्किन से डेड सेल को रिमूव करने में मदद करता है और आपकी स्किन को नरिश करता है। ये दोनों स्किन या ये 2 टाइप्स ऑफ स्किन यानी ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए मुफीद है। अब इसमें डालेंगे हम एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल आपकी स्किन को इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन से वाइट एक्ने स्कार्स को दूर करता है, ये भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है यानी साफ करता है और आपकी स्किन को नरिश करता है और फ्यूचर में आने वाले एक्ने को दूर करता है और आपके एक्ने स्कार्स को खत्म करने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए फ्यूचर में आने वाले एक्ने को खत्म करता है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ अर्की गुलाब। अर्की गुलाब भी आपकी स्किन को नरिश करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, रेडनेस को खत्म करता है, आपकी स्किन को शाइन करता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर ये आपको थोड़ा ड्राई फॉर्म में लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरह क्रीमी शक्ल में तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं नाजरीन, ये किस तरह से क्रीमी शक्ल में आ गया है। इसमें थोड़ा सा अगर पानी डालना चाहें, अगर आपको ड्राई नजर आ रहा हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें ताकि आपकी स्किन में ये अच्छे से अप्लाई हो जाए। देखिए नाजरीन, ये अच्छी तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ गया। अब इसे आप अपने ऑल ओवर फेस यानी फेस और नेक पे अच्छे से अप्लाई करें और इसे
अच्छी तरह से अप्लाई करके अपने नेक और फेस में 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन से एक्नी स्कार्स, एक्नी या पिंपल स्कार्स और एक्नी होल्स को किस तरह से रिमूव करेगा और आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लो एंड शाइन बनाएगा सुपर इफेक्टिव मास्क से, तो सुपर इफेक्टिव तरह से आपकी स्किन में असर करेगा। इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर इसे अच्छे से साफ सुथरे पानी से धो लें। कम से कम आप इसे 1 से 2 हफ्ते या 2 से 3 हफ्ते लगाएंगे या इवन 1 महीने के लिए लगाएंगे, ताकि आपके एक्नी स्कार्स, एक्नी पिंपल्स और फ्यूचर में आने वाले एक्नी सारे रुक जाएं और आपकी स्किन में जो पिंपल या एक्नी की वजह से जो होल हो जाते हैं वो अच्छे से निकल जाए, वो अच्छे से बंद हो जाए, कि फिल अप हो जाए आपकी स्किन में एक्नी और पिंपल्स की वजह से आपकी स्किन में होल्स हो जाते हैं। बस इसे ड्राई करना है और इसे साफ पानी से धो लेना है, ताकि आपको अच्छा सा रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी कमेंट के जरिए हमें अपनी राय का इजहार करें।